हाय फ्रेंड्स, मैं गुंजन, मैं आपका स्वागत करती हूँ भाग्यलक्ष्मी अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी न्यू तरीके से, तो आप भी बनाएं झटपट कुकर में और बहुत ही न्यू तरीके से बनाएंगे। आप चावल हो, पूरी, पराठे किसी के साथ भी खाओगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये, तो एक बार जरूर इस तरीके से ट्राई करना। इसके लिए हमने कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया, तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसाले में हमने 1 चम्मच हल्दी डाला है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, सॉरी आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है हमने, आधी चम्मच ही धनिया डाल दिया है और आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है। अब इसमें आधी चम्मच हम सब्जी मसाला डाल देंगे। अब इसको हम पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। पानी के साथ हमने इसको अच्छे से, तो हमने सभी को पानी से अच्छे से मिला लिया और इसे अब साइड में रख दे रहे हैं। और हमारा कुकर अब गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। तेल डाल दे रहे हैं इसमें गर्म होने के लिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर तेज पत्ता और सूखी मिर्च डाल दिया हमने, जीरा डाल दिया है, आपके पास पचफोरन हो तो वो डालें जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हींग डाल दिया 1 चुटकी हमने इसमें, राई डाल दिया 1 चुटकी हमने इसमें, तो इसमें हमने करी पत्ता डाल दिया है और 1 चुटकी हींग डाल दिया है। इसमें हमने आलू डाल दिया है, 1-2 आलू इस तरीके से मोटे मोटे टुकड़े में काट के डाल दें इसके अंदर और इसे अच्छे से थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे हम। तब इसे हमने फ्राई कर लिया है, इसमें इस लौकी को हमने इस टुकड़े से बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है और इसे भी ऐड कर दिया इसके अंदर और इसके भी अभी 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे लौकी को भी, आलू और लौकी को। अभी हमने जो मसाले घोल के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और मसाले के साथ भी इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो हमने इसे फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तब इसमें टमाटर कटे हुए डाल, तो टमाटर हमने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर के साथ भी बहुत अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिख के बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, ऑल बटन पर भी ज़रूर दबाना जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अब इसमें हमने नमक ऐड कर दिया, नमक स्वाद के अनुसार डालें और ध्यान रहे लौकी हमारा गल जाता है तो उसके अनुसार नमक डालें। तो इसे हमारा फ्राई हो चुका है ये बहुत अच्छे से, तो देख सकते हैं हम इसमें आप पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने अनुसार ऐड करें, कम ज़्यादा, आप ग्रेवी चाहते हो तो ज़्यादा डालें, नहीं तो 1 मग पानी में, 1 गिलास पानी में हो जाएगा ये सब्जी। तो इसमें हमने पानी डाल दिया, अब इसे ढक्कन लगा के 4 व्हिसल आने देंगे जिसमें हमारे लौकी भी गल जाएगा और वो भी गल जाएगा। और आधी चम्मच हमने इसमें गर्म मसाले डाल दिए हैं, तो इसे हमने लगा दिया कुकर और 4 सीटी आने देंगे और कुकर अच्छे से ठंडे करके हमने खोल लिया। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये सब्जी बन के तैयार है और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से सारे सब्जी भी गल चुके हैं, बहुत अच्छे से ये गल चुका है सब्जी। तो इस तरीके से आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और सभी को खिलाएँ, सभी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। तो एक बार आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, बहुत इजीली तैयार भी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।